राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्त हो चला है हमारा शहर का। राजस्थान को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राठकर भी बैठक में मौजूद है। प्रदेश की शेष बची 10 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कोर ग्रुप आज फाइनल पैनल तैयार करेगा। अगले एक दो दिन में सीईसी की बैठक में इस पैनल पर मुहर लगेगी और इसके बाद बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। तो 10 सीटों पर मंथन दिल्ली में लगातार जारी है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, काफी समय बीत चुका है, बैठक लगातार जारी है, क्या कुछ बातें निकलकर बाहर आ रही हैं? तो सीसी की बैठक में मुहर लगेगी, आज मंथन चल रहा है और उसके बाद एक पैनल तैयार किया जाएगा जो कि फाइनल पैनल होगा। तो राजस्थान को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राठकर भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश की शेष जो 10 लोकसभा सीटें बची हैं उन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और इसी के बाद कोर ग्रुप का जो ये पैनल है आज फाइनल पैनल तैयार करेगा और एक दो दिन में सीईसी की बैठक में इस पैनल पर मुहर लगेगी। चले और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, बैठक काफी देर से जारी है और ऐसे में बैठक से क्या कुछ बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए लोकसभा की 10 सीटों को लेकर मंथन जारी है, करीब सवा घंटे से भी ये बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद है, प्रभारी अरुण सिंह और विजय राठकर सह प्रभारी मौजूद है। इस बैठक में खासतौर से बात कही जाए तो प्रदेश की 10 सीटों पे समझौते जो है सभी जो बातों पे चर्चा की जा रही है और जो सीसी होने वाली है उस सीसी के लिए ये सारा जो पैनल बनाकर सिंगल नाम से लेकर डबल नाम का जो पैनल बना के आज ये कोर ग्रुप जो है वो आगे भिजवा देगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से क्या कितने कहा जा रहा है कि 10 सीटों में से 6 सीटों पे जो है बीजेपी अपने चेहरे बदल सकती है, जिनको वापस रिपीट कर जरूरी है कि अब कांग्रेस ने भी कई चीजें रणनीति में बदलाव किया राजस्थान में, ऐसे में बीजेपी जो है इस मामले में पिछले सवा घंटे से भी अधिक समय से जो मंथन कर रही है और संभवतः अगले 15 से 20 मिनट तक और जारी रह सकती है। उसके बाद कहें तो ये पूरा जो पैनल है सीसी को भेजा जाएगा और अगले एक दो दिन में सीसी होने के तुरंत बाद जो राजस्थान किससे जुड़ी जो 10 सीटें हैं उनका कहें तो प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल निजाम, और वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से संभावित ऐसे चेहरे हैं जिनके नामों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है, किस तरह से बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग को यहां पर साधती नजर आएगी? देखिए आज कोई घोषणा नहीं होगी क्योंकि ये कोर ग्रुप की बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक में जो प्रदेश लेवल पे जो मंत्रणा हुई है, जो पैनल बना के भेजा गया है उसको आज फाइनलाइज किया जाएगा, जो सीसी के सामने रखा जाएगा, क्योंकि सीसी के सामने रखने से पहले उसको पूरा फाइनल रूप दिया जाना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है आज इसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि सिंगल नाम बना के भेजा जाए ताकि सीसी जो उस पर मोहर लगा सके। ये भी देखना है क्योंकि बीजेपी को ये भी देखना है कि इन 10 सीटों पर उनको काफी कुछ चुनौती मिलने वाली अगर कहें, और सबसे बड़ी बात है कि क्या जयपुर शहर हो चाहे जयपुर ग्रामीण हो, कहें जहां पे बहुत ज्यादा दावेदार हैं उनमें से एक दावेदार को चुनना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बेशक सवा घंटे से ज्यादा समय से जो है ये बैठक जारी है, लेकिन ये भी है कि आप जो शुक्रिया निजाम इस पूरी जानकारी के लिए।